एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट कदम। और ये है हमारा डे टू इन पुष्कर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम नेक्स्ट डे में पुष्कर कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो भी चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि आप पुष्कर में कौन कौन सी प्लेसेस हैं, कौन कौन से मंदिर हैं वो विजिट कर सकते हैं। और अगर आप फूड लवर हैं तो फूड के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो है कि आप पुष्कर में कहाँ पर कौन सी फेमस डिश है वो ट्राई कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो भी चेकआउट करिएगा, मैं लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन भी जरूर से प्रेस करना। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत और हम सब मिलकर घूमते हैं पुष्कर। अभी टाइम हो रहा है करीब 5:30 और आप देख सकते हैं सुबह सुबह गलियां एकदम सुनसान है और हम जा रहे हैं घाट पर कुछ देर बैठने के लिए और वहां से देखेंगे आज का सनराइज। ये देखिए, हम लोग ब्रह्म घाट पर पहुंच गए हैं। जो ब्रह्म घाट पर मैंने इतनी रौनक दिखाई थी आपको दोपहर में, अभी यहाँ पे कोई नहीं है मॉर्निंग आवर्स में। ये आ गए हम और ये आ गए हैं हम दाधीज घाट से होते हुए ब्रह्म घाट पर। और यहाँ पर अभी तो कोई आरती नहीं मिली है हमें। टाइम हो रहा है 5:40। और कुछ लोग अभी पूजा सुबह भी कराने आए हैं, अभी आरती तो नहीं हो रही है, देखते हैं आगे जाके क्या आरती है या हो चुकी है वो भी नहीं पता, देखते हैं। आराम से जाओ, दर्शन करो ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन करो। हम लोग अभी बैठे हुए हैं चौड़ी पैड़ी घाट पर, मतलब बहुत ही कनेक्टेड हैं आप, एकदम जा सकते हैं एक घाट से दूसरे घाट पर, कभी कभी तो 10 कदम पे ही दूसरा घाट आ जाता है। और सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम प्लेजिंग सा मोमेंट है ये। अगर आप मॉर्निंग आवर्स में आते हैं तो आप यहाँ पर आपको एकदम शांति मिलेगी। आरती का हमें पता चला था कि मॉर्निंग में आरती होने वाली है यहाँ पर, बट अभी तो हमें आरती नहीं मिली। पंडित जी से हम लोगों ने पूछा और उन्होंने बताया आरती हो गई है। क्या आरती शाम को होती थी? अच्छा, सुबह ही होती, शाम को 5:30-6 बजे। अच्छा, खाली सुबह आरती होती है सिर्फ देव उठनी एकादशी कार्तिक पूर्णमासी से 5 दिन। अच्छा, सुबह यहाँ पर आरती नहीं होती है, सुबह सिर्फ ब्रह्म मंदिर में आरती होती है। हम लोगों को लगा था जैसे गंगा घाट पर आरती होती है उस तरीके से कोई आरती होती होगी, बट सुबह यहाँ पर आरती नहीं होती। यहाँ पर जो महत्व है वो स्नान का है। आरती आपको मिलेगी ब्रह्मा मंदिर में अगर आप मॉर्निंग आवर्स में आते हैं तो, और इवनिंग में यहाँ पर आरती होती है। तो अगर आपको आरती स्पेशली अटेंड करनी है तो आपको इवनिंग में आना रहेगा। और सामने आप कुछ लोग देख रहे होंगे, ये भजन कीर्तन चल रहे हैं, ये सारे लोग पूजा अर्चना और स्नान करने के लिए मॉर्निंग आवर्स में आते हैं। तो मॉर्निंग आवर्स की इंपॉर्टेंस यही है कि अगर आपको स्नान करना है, शांति से स्नान करना है और आपके पास टाइम है तो आप मॉर्निंग आवर्स में स्नान करने आइए, कुछ देर यहाँ पर बैठिए। और अगर सनराइज़ देखना चाहते हैं तो सनराइज़ ज़रूर से देखें, यहाँ पर सनराइज़ बहुत प्यारा होता है, मतलब ये पूरा सरोवर दिखाई देता है। और इसके अलावा जो भी इसके अगेंस्ट में, इसके अपोजिट में जो पहाड़ी है वहाँ से सनराइज़ होता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। वेट करते हैं सनराइज़ का। अगर आप सनराइज़ देखना चाहते हैं वहाँ से बैठे बैठे तो मैं आपको सनराइज़ दिखाती हूँ। और
और सुबह सुबह मैं आपको दर्शन करा देती हूँ गायत्री माता मंदिर के। ये देखिए, यहाँ से ही मुझे गायत्री माता मंदिर दिखाई दे रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर जो झंडा लगा हुआ है वो है गायत्री माता का मंदिर। एक साइड में सावित्री माता का मंदिर है ब्रह्मा टेम्पल के, और दूसरी साइड में गायत्री माता का मंदिर है। तो इन दोनों के मंदिर के दर्शन करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सावित्री माता टेम्पल के दर्शन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, कल ही गायत्री माता के लिए देखते हैं पहाड़ी पर ऊपर जाना है तो जाते हैं या नहीं। अगर जाते हैं तो मैं आपको दर्शन जरूर से करवाऊंगी। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं सनराइज़ देखने का। सामने आपको दिख ही रहा होगा कि वहाँ से होने वाला है सनराइज़, तो बस उसी का वेट कर रहे हैं अब। हेलो गाइस, क्या कर रहे हो? यस गाइस, क्या कर रहे हो सब लोग? सनराइज देखने बैठे हुए हम लोग। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप तो बहुत बाद में आए हो, हम पहले से देख रहे हैं सनराइज। मैंने एक्चुअली 2 साल पहले भी देख चुका था यहाँ पे, तो तुमने नहीं देखा था तो इसलिए हम लोग देखने आ गए है ना कीकू। हम लोग सनराइज देखने आए हैं, कीकू भी सनराइज देखने के लिए आया है। आप लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि टाइम हो गया है, करीब 7 बजने वाले हैं और लोग स्नान करने के लिए काफ़ी लोग आने लगे हैं। मॉर्निंग आवर्स में स्नान बहुत पुण्य माना जाता है, तो अभी स्नान करने के लिए लोग आने लगे हैं। सनराइज़ भी हो गया है, अब पीने जाते हैं चाय। बहुत नींद लग रही है जब से बैठे हुए हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद देख। One hour later. हम लोग एक बार फिर से जा रहे हैं अब ब्रह्मा टेम्पल के दर्शन करने के लिए। यहाँ हैं तो मंदिर दर्शन कर लेते हैं। आज दशहरा है तो हम उसके लिए भी दर्शन कर लेते हैं भगवान जी के। यहाँ हैं तो आराम से घूमना है और दर्शन ही करना है, बाकी फिर बाकी सारे मंदिर भी जाएंगे। आज एक रंगजी टेम्पल है जो कि साउथ इंडियन जो टेम्पल्स होते हैं उसकी तरह बना हुआ है, तो वो भी देखेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले करते हैं अभी फिर से ब्रह्मा मंदिर के दर्शन। ये देखिए मस्त एकदम जेंटलमैन बन के आए हुए हैं और जा रहे हैं। एक्चुअली मॉर्निंग में जब हम आए थे तो बिल्कुल भी रश नहीं था क्योंकि शॉप्स ओपन नहीं हुई थी। अभी फिर से ये कलरफुल सा वाइब्रेंट सा मार्केट ओपन हो गया है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। और आज है दशहरा, तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आप ही दशहरा अच्छे से मनाइए, और हमारा तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से हो रहा है कि हम लोग दर्शन कर रहे हैं आज जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर के। कल भी किए थे नवमी के दिन और आज फिर से कर रहे हैं। जा रहे हैं अभी रंग जी मंदिर। एक्चुअली मार्केट काफ़ी बड़ा है और सारी चीज़ें मार्केट के अंदर ही हैं, तो हम लोग ऑलमोस्ट सारा जो चीज़ें हम लोगों ने कवर की हैं वो बाय वॉक ही की है। और आगे अभी चल के दिखाते हैं आपको रंगजी मंदिर। जाना है आपको ये अजय फार्मेसी के साइड से पुराना वाला रंगजी मंदिर। एक्चुअली रंगजी मंदिर 2 हैं, अभी हम लोग पुराना वाला जा रहे हैं, जस्ट पास में ही है। आपको बद्री घाट से थोड़ा सा आगे की ओर चलना है नरसिंह घाट की ओर, और वहाँ पर जब एक आएगा चौराहा टाइप वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि कहाँ जाना है। तो पहले आपको पुराना वाला भी जा सकते हैं, नया वाला जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम है क्योंकि 12 बजने वाले हैं। इट्स 11:20 और 12 बजे तक मंदिर दोनों बंद हो जाते हैं। सबसे पहले हम पुराना जा रहे हैं, ये है रंगजी मंदिर पुराना वाला। चलिए चलते हैं अंदर, और अगर कैमरा अलाउ हुआ, फोटोग्राफी अलाउ हुई, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है पुराना वाला रंगजी मंदिर, इसे हैदराबाद की किसी सेठ ने बनवाया हुआ था। काफ़ी पुराना मंदिर है, 18वीं शताब्दी में, आई थिंक 18वीं या 12वीं शताब्दी में, आई एम नॉट श्योर, तब बनाया गया था इसको। और ये साउथ इंडियन जो टेम्पल्स होते हैं उसके पैटर्न पे बना हुआ है। चलिए अंदर चल के देखते हैं कौन से भगवान, आई थिंक विष्णु भगवान है इसमें। पर भी बाकी मंदिरों की तरह अलाउ नहीं था अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी करना, सो हम लोग बाहर से ही आपको थोड़ा सा, ये जो मंदिर है विष्णु भगवान है, भगवान वेंकटेश जो कि मोस्टली साउथ में होते हैं,
सो दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, बहुत प्यारा मंदिर है। अगर आप आते हैं पुष्कर में तो ये मंदिर पुराना वाला रंगजी मंदिर है। अब हम चलते हैं नए वाले मंदिर के, रंगजी टेम्पल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं नेक्स्ट, मतलब नया वाला रंगजी टेम्पल देखने के लिए। तो बाराघाट से आपको आगे की ओर जाना है, एक चौराहा है, मतलब बाराघाट चौराहे पर ही है। और जब आप नरसिंह घाट की ओर से आ रहे हैं तो लेफ्ट में आपको पुराना वाला रंगजी टेम्पल जाना है, और सीधे अगर आप जाएंगे बाराघाट से तो आपको पुराना वाला रंगजी टेम्पल मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स वगैरह हैं, बुक वगैरह की, बाकी जो ट्रेडिशनल जो की चीज़ें हैं यहाँ की पुष्कर की, वो भी काफ़ी सारी मिलती हैं। हमने देख रहे हैं ये ICICI बैंक के पास में है जो मंदिर देख रहे हैं, ये नया वाला रंगजी मंदिर है। ये मंदिर भी काफ़ी अच्छा सा बना हुआ है, लेट्स सी अंदर फोटोग्राफी करना अलाउ है या नहीं। तो चलते हैं देखते हैं, यहाँ भी आपको प्रसाद वगैरह की काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएगी। मंदिर में फोटोग्राफी करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट, हम लोग आपको दर्शन नहीं करवा पाएंगे। मैं बाहर से आपको दर्शन करा देती हूँ। काफ़ी सुंदर सा मंदिर बना हुआ है, ये भी मंदिर भी काफ़ी बड़ा सा बना हुआ है, सेम उसी टाइप का बना हुआ है जैसे कि वो मंदिर बना था, लेकिन वो काफ़ी पुराना था और ये नया मंदिर है। और जैसे कि वहाँ के पंडित जी ने हमें बताया कि जो एक लेडी थी उनको वहाँ पर पूजा करने के लिए मना कर दिया गया था, दैट्स व्हाई मतलब पट बंद हो गए थे, और पट बंद होने के बाद उसको दर्शन करने के लिए मना कर दिया गया, तो उन्होंने यहाँ पर स्पेशली अपने लिए दूसरा सेम नया वाला रंगजी मंदिर बनवाया है। तो उसके पीछे की स्टोरी जो हमें पंडित जी ने बताई थी वो ये है, पता नहीं कितनी सच है कितनी नहीं, बट ये वहाँ के पंडित जी ने, जो पुराने वाले रंगजी मंदिर था वहाँ के पंडित जी ने हमें बताया। सारे लोग गए हुए अभी दर्शन करने के लिए क्योंकि बैग अलाउ नहीं है, मेरे पास ही शोल्डर बैग था एक, अंदर मंदिर में शोल्डर बैग अलाउ नहीं है, तो मैं यहाँ बैठी हूँ और जस्ट मंदिर बंद ही होने वाला है कुछ देर में, तो अगर वो लोग आ जाते हैं तो मैं भी दर्शन करने के लिए चले जाऊँगी। अभी तो मुझे देख रहे हैं कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो जल्दी से वो लोग आएंगे सारे लोग फैमिली मेम्बर्स, और ये बैग उनको ड्रॉप करके फिर मैं दर्शन करने के लिए जाऊँगी। हमारे पीछे ये यही जो है रंगजी टेम्पल नया वाला, और हम इसके बाद बैठ के पी रहे हैं नींबू पानी क्योंकि धूप अच्छी खासी है, तो नींबू पानी पी रहे हैं सब लोग। आप क्या पियोगे कीकू, क्या पियोगे आप आयु? नींबू पानी पिएगा वो भी, सब लोग नींबू पानी पी रहे हैं। क्या खाओगे? ठीक है ओके। इसके अलावा आप यहाँ पर बाइक भी रेंट कर सकते हैं, ये आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर कुछ नंबर भी हैं, सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं अगर चाहे तो, और कुछ प्राइजेस भी मेंशन हैं, तो अगर आप बाइक लेना चाहते हैं यहाँ पर, स्कूटी रेंट करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से आपको मिल जाएगी। और इसके बाद हम लोग चले गए थे होटल क्योंकि धूप बहुत तेज थी, तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शाम को फिर से घूमना ही था, तो रेस्ट करने के बाद हम लोग वापस से निकले जब मार्केट में, तो हमें इस तरीके की कुछ बारात देखने को मिली। उस दिन दशहरा था और नवमी के बाद कुछ माता को भी विसर्जन वगैरह करना था, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमें उस दिन देखने को मिली और बड़ा ही अच्छा लग रहा था उस समय। एंड उसके बाद कुछ हमारी फेवरेट थिंग जो कि है शॉपिंग, हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की यहाँ से, बहुत सारे आउटलेट्स आपको दिखेंगे यहाँ पर, मॉडर्न आउटलेट्स जिसमें कि आप शॉपिंग कर सकते हो, और बहुत सारे डिफरेंट आपको क्लोथिंग मटेरियल भी मिलेंगे यहाँ, तो आप अपने अनुसार अपने लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ से। एंड अब मार्केट में घूमते घूमते लग गई थी भूख, और डिनर का टाइम भी हो गया था क्योंकि हम करीब 5-6 बजे निकले थे होटल से, और घूमते घूमते 7-8 का टाइम हो गया था, तो अभी हो गया है डिनर का टाइम, तो हमने डिनर कहाँ पर किया वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो आज का सीन कुछ ऐसा है
कि हम लोग एक दिन और एक्सटेंड कर लिए हैं, रुक गए हैं बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन, तो अभी आए हैं रात में खाना खाने के लिए। हमारा कट गया है एक्चुअली, पॉजिटिव साइड है, कुछ तो महाराज ने रोक लिया है। हाँ, हमको रोक लिया है पुष्कर महाराज ने और हमारा रिजर्वेशन क्लियर नहीं हुआ, तो हमको एक दिन और रुकना पड़ा। तो यहाँ पे अब आए हैं रात में डिनर करने के लिए। बढ़िया लगता है यार, होटल आसपास हो तो वॉकिंग डिस्टेंस भी सारी चीज़ें होती है, तो आराम से आ जाओ। अभी हम लोग नहीं पता हम कब जाएंगे। हाँ हाँ, हमें ये भी नहीं पता क्योंकि रिजर्वेशन आगे कब कल का भी नहीं पता। आज लाइट नहीं आ रही हमारे होटल में, राइट, तो पूरा अंधेरा है। एक्चुअली उस एरिया में लाइट का कुछ प्रॉब्लम है, ट्रांसफार्मर खराब हो गया। हाँ, ट्रांसफार्मर खराब है, बैकअप है नहीं, बैकअप भी नहीं है। तो बस हम लोग यहाँ पर आए हैं खाना खाने के लिए। आयु एकदम बर्तन वर्तन बजा के एकदम शोर मचा रहा है। तो बेसिक सा कुछ खाना था, दो तीन दिन से बहुत परेशान हो गए थे कुछ भी खा पी के। मार्केट देखिए अभी भी ओपन है, और आज बहुत सारी रथ यात्रा वगैरह निकल रही थी मार्केट में माता जी की, क्योंकि दशहरा है आज, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, एकदम रौनक थी मार्केट में। क्या कर रहे हो आयु, क्या कर रहे हो? हाँ, पटाखा चल रहा है इसलिए वो भी पटाखा चला रहा है अपना। गर्मा गर्म खाना और इसको परोसा जा रहा है। ये है हमारी आलू की करी, आलू करी की सब्जी और दाल, गर्मा गर्म फुलके, तवा रोटी एंड राइस। दो तीन दिन से एक्चुअली हम लोग कुछ भी ऐसे ही खा रहे थे, बेसिक वाला जो लोकल फूड होता है वो। अब हम खाएंगे ये प्रॉपर खाना मील। एंड फाइनली डिनर के साथ हमारा होता है डे टू खत्म। और पुष्कर एक बहुत ही अच्छी सी जगह है, धार्मिक सी प्लेस है, मॉडर्न वाइज भी है, आप चाहें तो पुष्कर जरूर से घूमने जा सकते हैं। एक या दो दिन का समय अगर आपके पास है तो आप विजिट कर सकते हैं पुष्कर। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ड्रॉप करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। टिल देन मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।